हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बनाना शैम्पू एंड कंडीशनर। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो पर्पल का बनाना शैम्पू एंड कंडीशनर है, सॉरी गुड वाइब्स का, पर्पल से मुझे पीआर पैकेज में मिली थी। ये दोनों प्रोडक्ट आई थिंक 3-4 महीने पहले मुझे मिली थी, तब मैंने यूज़ भी किया था एंड आई टोटली फॉरगॉट कि मैंने ये वीडियो आपसे शेयर किया या नहीं। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है एंड आज मैंने अगेन ये शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया है आपसे शेयर करने के लिए एंड रिजल्ट इज़ अमेजिंग गाइस। ये देखिए, चमक देखिए हेयर पर। एज यू नो कि बनाना मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, खाने के लिए नहीं, रेमेडीज एज अ रेमेडीज मुझे बनाना बहुत ही पसंद है। मैं हेयर के लिए यूज़ करती हूँ, स्किन के लिए भी यूज़ करती हूँ। मैंने आपसे शेयर भी किया बनाना हेयर मास्क एंड रिसेंटली गुड वाइब्स का ही बनाना हेयर मास्क यूज़ किया है, वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड आज मैं ये शैम्पू एंड कंडीशनर आपसे शेयर करूँगी, काफ़ी अच्छी है गाइज। फर्स्ट यूज़ में ही आपके हेयर काफ़ी शाइनी हो जाएंगे लाइक मी। नॉट ओनली दैट, आपकी हेयर काफ़ी स्ट्रेट भी हो जाएगी। अगर आपकी हेयर वेवी है तो आपकी हेयर काफ़ी हद तक स्ट्रेट भी हो जाएगी, जस्ट लाइक मी। तो आज मैं आपसे इसकी रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ, साथ ही साथ इसकी डेमो भी आपसे शेयर करूँगी कैसे आप इसे यूज़ करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगी। तो ये जो गुड वाइब्स की बनाना शैम्पू एंड कंडीशनर है, इसकी क्वान्टिटी आपको मिलेंगे 120 ml ईच। एंड गुड वाइब्स की प्रोडक्ट्स जो होती है पैराबिन एंड सल्फेट फ्री होती है, क्रुएल्टी फ्री होती है, हेयर एंड स्किन के लिए काफ़ी अच्छी भी होती है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो दोनों प्रोडक्ट है इसे यूज़ कैसे करना है। सिंपली आप जैसे शैम्पू करते हो, जैसे मैं करती हूँ, मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको नियर अबाउट 100 ml एक मग में आपको पानी लेना होगा, उसमें आपको डालना होगा सफिशियंट क्वान्टिटी शैम्पू जितना आप यूज़ करते हो। उसे अच्छी तरह से आप डाइल्यूट कर लीजिए वाटर में, उसे साइड में भी रख दीजिए। उसके बाद आप वाटर से हेयर को वेट कर लीजिए, उसके बाद वो जो डाइल्यूटेड शैम्पू है वो आपके हेयर पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप 1-2 मिनट तक हल्की हाथों से उसे ना मसाज कीजिए आपकी स्कैल्प से लेके टिप तक। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद हेयर को टॉवल ड्राई कर लीजिए। टॉवल ड्राई करने के बाद आप सफिशियंट क्वांटिटी कंडीशनर लीजिए, जितना मैं दिखा रही हूँ इतना ही इनाफ है पर यूज़ के लिए। तो लेकर हाथ में अच्छी तरह से फैला लीजिए, उसके बाद आप आपकी ओनली हेयर लेंथ पर अप्लाई कीजिए। कंडीशनर हमें स्कैल्प पे अप्लाई करना नहीं होता है, ओनली आप लेंथ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मसाज कीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एंड उसे 2-3 मिनट तक छोड़ दीजिए हेयर पर। उसके बाद हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो गाइस, जो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि मैं कौन से शैम्पू यूज़ करती हूँ, कंडीशनर यूज़ करती हूँ, मैं आपसे हमेशा शेयर करती आती हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपसे शेयर किया एंड दिस इज़ आल्सो वेरी गुड। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर शाइनी एंड हेल्दी हेयर चाहते हो, नेचुरल कोई प्रोडक्ट चाहते हो, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको पर्पल ऐप से मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ। ऑल्सो अगर आप मेरी कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएंगे पर्पल ऐप से। तो देर किस बात की, अभी जाइए इसे पर्पल ऐप से बाय कीजिए एंड मेरी तरह हेयर को शाइनी एंड सिल्की बनाइए। बाय।